नमस्कार, मैं हूं कमल और मेरे हिसाब से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बज चुके हैं 8:30 होने हुए हैं। यदि आप अपने कंबोडिया में प्लान आउट कर रहे हैं या वेकेशन आपका कंबोडिया में प्लान आउट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 4 जगह कंबोडिया में आपको कभी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है उनका कैपिटल सिटी नॉम पेन। अब नॉम पेन ये आपको मिस नहीं करना है, जहां पे आप 2 रातों का समय निकाल सकते हैं, 2 नाइट स्टे आप कर सकते हैं। दूसरी जगह जो हमारे लिस्ट में है वो है कोरोंग। अब कोरोंग एक आइलैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। वहां पे आपको लॉट ऑफ वाटर एक्टिविटीज को बढ़ाई कयाकिंग वगैरह मिल जाएगा। वहां पे आपको 3 रातें मिनिमम निकालनी चाहिए। जो नॉर्मल ट्रैवलर्स मिस आउट करते हैं वो है कंपोर्ट सिटी। अब कंपोर्ट आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। कंपोर्ट में एक रिवर बैंक पे एक छोटा सा टाउन बना हुआ है, जहाँ पे छोटे छोटे पब्स आपको मिल जाएंगे रात को वक्त बिताने के लिए। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, बट उसकी खासियत ये है कि वहाँ पे देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटरफॉल्स जो आप विजिट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे आप आधा आधा दिन पूरा पूरा दिन निकाल सकते हैं। 80 किलोमीटर दूर कंपोर्ट से एक हिल स्टेशन है, वो भी जहाँ पे 19th century वहाँ पे फ्रेंच लोग थे, तो उनके चर्चेज, एबेडन चर्च, हॉस्पिटल्स अभी भी वहाँ पे हैं, वो आपको विजिट करना चाहिए। प्लस कंपोर्ट में आपको क्रूज राइड्स मिल जाएंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ बोट्स, क्रूज टाइप बोट्स हैं जो वेल डेकोरेटेड है, बहुत ही लाइटेड लाइटिंग वाला डेकोरेशन है, और वो आपको शाम को मिलेंगे। शाम को आपको रिवर पे लेके जाएंगे एंड उसी में आपको डिनर सर्व किया जाएगा, तो डिनर आप बोट में कर सकते हैं। तो कंपोर्ट आपको मिस करना चाहिए। एंड द लास्ट प्लेस सियम रेप, जहाँ पे एंशियंट टेम्पल्स 12th century AD 15th century AD के एंशियंट टेम्पल्स हैं, जो अंकोर वाट जहाँ हिंदूज का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है शिव का, वो वहाँ पे है। तो सियम रेप मिनिमम आपको 3 नाइट्स आपको सियम रेप को देने चाहिए। एंड सीएम रिप में आपको थोड़ी नाइट लाइफ भी मिल जाएगी। एक पब स्ट्रीट करके एक जगह है जहाँ पे नाइट लाइफ, पब्स, क्लब्स, बार्स आपको मिल जाएंगे। थाईलैंड जैसा बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक थाईलैंड, बट हाँ काफ़ी हद तक वो लेवल तक पहुँच चुका है। तो ये 4 जगह जब आप कंबोडिया ट्रिप प्लान करें तो आपको मिस आउट नहीं करनी है। नॉम पेन उनका कैपिटल सिटी, कोरोंग एक आइलैंड, कंपोर्ट बीच में जो एक सिटी पड़ता है वो, और सियम रेप। तो आइए चलते हैं कंपोर्ट हमारे दूसरे दिन के ट्रैवल पे। इट्स अ ब्रेकफास्ट, बेकन, सॉसेज, टोमेटो, ऑमलेट, ब्रेड बटर, जैम, एप्पल जूस और ऑरेंज जूस भी है, शायद चाय कॉफ़ी भी वहाँ पे है। सो सुबह के करीबन 8:45 बज चुके हैं, 8:30 हुए हैं, नाश्ता कर लिया है, तैयार हूँ, अब बाइक लेके 81 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन पे जाना है। रास्ते में कितनी सारी चीज़ें हैं वो भी देखनी है, एक केव वाला मंदिर है वो भी देखना है। तो सबसे पहले उसका मैप है, ये कोई छोटा सा केव है जो कंपोर्ट से करीबन 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ से निकल रहा था तो सोचा इसको भी देख लूँ, अंदर चल के देखते हैं। सो इट्स बहुत अंधेरा है, सो
केव के अंदर भगवान का मंदिर है एंड ये केव है। ये कंबोडिया का मच्छर है शायद। You can see the size. ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा मच्छर है। ये कहाँ आ गया मुझे भी मालूम नहीं है, पर ये कुछ वाट है और यहाँ पे पेपर फील्स है। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में। जो हम लोग जीरू जीरू बोलते हैं ये यहाँ का सबसे अच्छा होता है। ये है बोर्ड को ट्रांसलेट किया जाए तो मालूम पड़ेगा मैं कहाँ हूँ। एनीवेज रोड्स आर नॉट गुड एट ऑल। देख सकते हैं रोड्स बहुत खराब हैं और इसमें मुझे काफी दूर तक जाना है। सबसे दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है तो आपको राइट हैंड साइड चलाना है और लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक करना है। ये हम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आदत नहीं होती। सो ये केव टेंपल में आ चुके हैं हम लोग। $1 यानी वो फीस है यहाँ की। ये टेंपल को नॉम चंगोर बोलते हैं एंड 15th century AD तभी बना था ये टेंपल। एंड नॉर्मली जिनको बच्चे नहीं होते थे या ऐसा कुछ था वे यहाँ पे आते थे। इट वॉज यूज्ड फॉर फर्टिलिटी नॉर्मली। लॉर्ड शिवा का टेंपल है, बाजू में एक हाथी बना हुआ है विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। काफी ज्यादा स्टेप्स है। Lots of them in India. Oh, three! I see it's more small is on the tree. It's a monkey family. So I just net pe dikha tha same. Ye temple hai. Old temple. शिव टेंपल, शिव भगवान का टेंपल है। फॉर्मेशन ऑफ एलिफेंट यहाँ पे देख सकते हैं, हाथी जैसा रॉक। ऐसे में मैं अकेला जा रहा हूँ, हाईवे छोड़ दिया है, रास्ता कहीं पे आगे जाके मिल रहा है मेन रास्ते से जो वॉटरफॉल जा रहा है।
रोड सब जगह पे ऐसे ही है, हाईवे से आया और अब ऐसे रोड्स है। रियल कंबोडिया, एकदम अंदर का गांव। बीटल वाटरफॉल तक तो मैं नहीं जा पाया, बट अब यहीं से वापस जा रहा हूँ क्योंकि अंदर जाके अरे बाप रे क्या हालत थी मेरी। बीटल वाटरफॉल्स तक तो मैं नहीं पहुंच पाया, रोड बहुत रिस्की थे, गूगल मैप्स में कुछ दिखा रहा था पर कहीं और जा रहा था रास्ता। अगर मैं वहां पे गिर गया होता तो शायद एक साल तक मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाता। अब मैं जा रहा था हिल स्टेशन। कोई भी अपना हिल स्टेशन हो, सेम वैसे ही रोड्स हैं, ज़िगज़ैग जैसे अपना काम जा रहे हो। बिग बुद्धा एबेंडेंट हॉस्पिटल है एंड एबेंडेंट बिल्डिंग्स भी है यहाँ पे काफी साल पुराने, एंड वो सामने दिख रहा है वो है चर्च। मैं आगे जाता हूँ चर्च के पास। अभी वो एबेंडेंट चर्च के बाहर, आइए अंदर चलते हैं। सकते हैं 1920 में बनाया था फ्रेंच लोगों ने, ये चर्च बनाया था। एंड ये है मैप द हिल स्टेशन का। ये वो पैलेस है जो बंद पड़ा है, इट वाज एबेंडन्ड पैलेस। ये उसका दरवाजा, अब यहां से दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली। वो है मशरूम जो फ्रेंच लोगों ने बनाया था बैठने के लिए, रॉक का बना है पूरा। So the waterfall is the site. वहां से भी एक फॉल हो रहा है, बट दिस इज बकौर हिल स्टेशन के ऊपर जो वाटरफॉल है,
पॉर्नोविक हिल वाटरफॉल या ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। एंड नीचे नहीं जा सकते, बहुत डीप है, कोशिश कर तो जा सकते हैं बट डिफ़िकल्ट होगा अभी और इतना टाइम नहीं है।